जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियां, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुधरें संभलें तो काम चले। प्रकृति अलमस्त बच्चे की तरह अपने खेल खिलवाड़ में लगी रहती है। पंच तत्वों के रेत बालू को बटोरना, संजोना, बढ़ाना, घटाना, बिगाड़ना, बस यही उसके क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु है। बाजीगर का तमाशा देखने में अपनी सुध बुध खो बैठने वाले मन चले दर्शकों की तरह लोग उस कौतुक कौतूहल को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। हाथ की सफाई का कमाल उन्हें ऐसा सुहाता है कि कहाँ जाना था, क्या करना था, जैसे तथ्यों को भूल बैठते हैं और बेतुकी कल्पनाओं में उड़ने तैरने लगते हैं। इन प्रपंच कौतुकों में मन भी सहायता देता है, रोने हंसने तक लगता है। यही है प्रकृति का प्रपंच, जिसमें आम आदमी बेतरह उलझा, उद्विग्न, खिन्न, विपन्न होते देखा जाता है। कभी कभी तो इसे सिनेमा के पर्दे से प्रभावित होकर चित्र विचित्र अनुभूतियों में तन्मय होते तक देखा जाता है। यद्यपि यह पूरा कमाल कैमरों का, प्रोजेक्टर का, एक्टर डायरेक्टर का रचा हुआ जाल जंजाल भर होता है, पर दर्शक तो दर्शक जो ठहरे, उन्हें पर्दे में रेंगती छाया भी वास्तविक दिखती है और इतने भर से आंसू बहाते, मुस्कुराते, आक्रोश व्यक्त करते और आवेश में आते तक देखे गए हैं। ऐसे विचित्र हैं यह कौतुक कौतूहल, जिसने समझदार कहे जाने वाले मनुष्यों को भी अपने साथ बेतरह जकड़ पकड़ रखा है। इस दिवा स्वप्न की प्रवंचना का पता तब चलता है जब आंख खुलती है, नशे की खुमारी उतरती है, भगवान के दरबार में पहुंचकर सौंपे गए कार्य के संबंध में पूछताछ की बारी आती है। इससे पूर्व यह पता ही नहीं चलता कि कितना गहरा भटकाव सिर पर हावी रहा और वह कराता रहा जिसे करने के लिए उन्माद ग्रस्तों के अतिरिक्त और कोई कदाचित ही तैयार हो सकता है। उलझने का नहीं, सुलझने का प्रयास करें। यही वह भूल भुलैया का भटकाव है जिसे तत्वदर्शी प्रायः माया जाल कहते हैं और उससे बच निकलने की चेतावनी देते रहते हैं। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो मूर्खता छोड़ने और बुद्धिमत्ता अपनाने की समझ को उगने उठने ही नहीं देता। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की दुख भरी बर्बादी की यह पृष्ठभूमि है। आश्चर्य यह है कि शिक्षित अशिक्षित, समझदार बेअक्ल सभी अंधी भेड़ों की तरह एक के पीछे एक चलते हुए गहरे गर्त में गिरते और दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में कराहते, कलपते, अपना दम तोड़ते हैं। अब आइए जरा समझदारी अपनाएं और समझदारों की तरह सोचना आरंभ करें। मनुष्य जीवन सृष्टा की बहुमूल्य धरोहर है, जो स्वयं को सुसंस्कृत और दूसरों को समुन्नत करने के दो प्रयोजनों के लिए सौंपा गया है। इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी और अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी। मकड़ी अपने लिए अपना जाल स्वयं बुनती है, उसे कभी कभी बंधन समझती है तो रोती कलपती भी है, किंतु जब भी वस्तु स्थिति की अनुभूति होती है तो समूचा मकड़ जाल समेट कर उसे गोली बना लेती है और पेट में निगल लेती है। अनुभव करती है कि सारे बंधन कट गए और जिस स्थिति में अनेकों व्यथा वेदनाएं सहनी पड़ रही थीं, उसकी सदा सर्वदा के लिए समाप्ति हो गई। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा तथ्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है। उस घोंसले में वह अपनी जिंदगी बिताता है, उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया की अड़चने और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभीष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी के भी बस में इतनी हिम्मत नहीं जो बढ़ने वालों के पैर में बेड़ी डाल सके। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का झीना पर्दा उन्होंने हटाया
और वही कर गुजरे जो उन्हें अभीष्ट था। मनुष्य बना ही उस धातु का है जिसकी संकल्प भरी साहसिकता के आगे कभी भी कोई अवरोध टिक नहीं सका है और न कभी टिक ही सकेगा। इस युक्ति में परिपूर्ण सार्थकता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वही अपने हाथों गिरने के लिए खाई खोदता है और चाहे तो उठने के लिए समतल सीढ़ियों वाली मीनार भी चुन सकता है। इस उक्ति को भी ध्यान में रखे ही रहना चाहिए कि ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। दीन दुर्बलों को तो प्रकृति भी अपनी मौत आप मरने के लिए उपेक्षा पूर्वक छोड़ती और मुंह मोड़कर अपनी राह चल पड़ती देखी गई। वेदांत विज्ञान के चार महत्वपूर्ण सूत्र हैं: तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सो अहम्। इन चारों का एक ही अर्थ है कि परिष्कृत जीवात्मा ही पर ब्रह्म है, हीरा और कुछ नहीं कोयले का ही परिष्कृत स्वरूप है, भाप से उड़ाया हुआ पानी ही वह स्रवित जल डिस्टिल वाटर है जिसकी शुद्धता पर विश्वास करते हुए उसे इंजेक्शन जैसे जोखिम भरे कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य और कुछ नहीं मात्र भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने ऊपर चढ़े मल आवरण और विक्षेप को कषाय कलमशों को उतार फेंके तो उसका मनोमुग्धकारी अतुलित सौंदर्य देखते ही बनता है। गांधी और अष्टावक्र की दृश्यमान कुरूपता, उनकी आकर्षकता, प्रतिभा, प्रामाणिकता और प्रभाव गरिमा में राई रत्ती भी अंतर न डाल सकी। जब मनुष्य के अंतःकरण का सौंदर्य खुलता है तो बाहरी सौंदर्य की कमी का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक आस्तिकता, ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास मानवीय नैतिकता का मेरुदंड है, उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कर्म फल सिद्धांत आस्तिकता से जुड़ा हुआ है। तत्काल कर्म फल न मिलने की छूट देकर मनुष्य की निजी गरिमा परखी गई है। अन्यथा तत्काल कर्म फल की व्यवस्था रही होती तो मनुष्य दंड भय से एक जैसे बने रहते और उनका निजी स्तर निखर न पाता। कर्म फल तत्काल मिलते न देखकर लोग इस भ्रम में पड़ते हैं कि वे सदा ही अपनी चतुरता से बचे रह सकते हैं और मनमानी, स्वार्थपरता एवं अनीति में लगे रह सकते हैं। इसी भ्रम में मनुष्य कुमार्गगामी बनता है। अस्तु, जनमानस में ईश्वरीय शासन की आस्था दृढ़ता पूर्वक जमी रहनी चाहिए। उसके सर्वव्यापी, निष्पक्ष, न्यायकारी मानने से कर्मफल, परलोक, पुनर्जन्म के तीनों सिद्धांतों पर विश्वास जमता है। यही वह आत्मनियंत्रण है जिस अंकुश से मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक सन्मार्गगामी बना रह सकता है। इस आस्था को गंवा देने पर मन पर अनीति के प्रति निर्भयता उत्पन्न हो जाती है और राजदंड से बच निकलने की तरकीबें भिड़ाकर मनुष्य लुक छिप कर कुछ भी करने पर उतारू हो सकता है। ईश्वर उपासना की आवश्यकता प्रधानतया इसीलिए है कि नियामक सत्ता के अनुग्रह का लाभ और रोष का भय बना रहे, ईश्वरीय आदेश की स्मृति बनी रहे, उस जैसा उदात्त और व्यापक बनने का लक्ष्य ध्यान में रहे। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने पर उसके वर्चस्व का अंतःकरण में उतरने का दिव्य अनुदान मिलता रहे। यहाँ यह भी स्मरण रखा जाए कि पूजा पाठ के कर्म कांड मात्र से पाप कर्मों के दंड से बच जाने और पात्रता न होते हुए भी मनचाही कामनाएं पूरी होते रहने की प्रचलित मान्यताएं सर्वथा निरर्थक हैं। अग्नि की समीपता से अग्नि जैसी विशेषता प्राप्त करना ही आस्तिकता एवं उपासना का प्रमुख लाभ है। इस विश्वास के स्थिर रखने एवं परिपुष्ट रखने के लिए मन पर जमने वाले कषाय कलमशों को नित्य धोने के लिए उपासना नित्य कर्म में सम्मिलित रहनी चाहिए। अपने परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए। गायत्री माता को ईश्वरीय सत्ता का, मानवीय आदर्शवादिता का प्रतीक मानकर उसके चित्र के सम्मुख नित्य मस्तक झुकाना,
न्यूनतम 5 मिनट इस सद्बुद्धिदायक मंत्र का मानसिक जप एवं सविता देव के प्रकाश का नित्य ध्यान अपने संबंधियों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए। आस्तिकता का वातावरण हर घर में, हर मनुष्य के मन में बना रहे, इसके लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। 2. आध्यात्मिकता, आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा। अपने गौरव एवं वर्चस्व को सदा ध्यान में रखा जाए। अपनी मूल सत्ता को ईश्वर का पवित्र एवं समर्थ अंश माना जाए। अपने भीतर छिपी अगणित विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए और उन्हें जागृत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता को अपनी सबसे बड़ी पूजा समझा जाए और इस आधार पर उत्पन्न हुई आत्मशक्ति की मात्रा को जीवन की वास्तविक सफलता का अनुभव किया जाए। शिष्टता, सज्जनता, शालीनता, सहृदयता, चरित्र निष्ठा, उदारता जैसी सत् प्रवृत्तियों से अंतरात्मा को अलंकृत करने के लिए अनवरत प्रयत्न किया जाए। जो निकृष्ट पशु प्रवृत्तियां अपने स्वभाव अभ्यास में छिपी बैठी हों, उन्हें पैनी दृष्टि से ढूंढा जाए और दृढ़ता पूर्वक उन्हें निरस्त किया जाए। केवल पाप और परमेश्वर के दंड से डरा जाए, केवल आत्म पतन से बचा जाए, शेष सर्वत्र निर्भय रहा जाए। भीरुता एवं कायरता को मनुष्यता का कलंक माना जाए। निराशा, चिंता, आशंका, उद्विग्नता जैसी कुकल्पनाएं मनोबल गिराती और अगणित हानियां उत्पन्न करती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए। सदा उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखे जाएं। सर्वतोमुखी प्रगति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करते रहने का स्वभाव बनाया जाए। दूसरों के द्वारा अपना हित अनहित बहुत ही स्वल्प हो सकता है, यह मानते हुए आत्मनिर्भर बना जाए। अपने भाग्य का निर्माण करता मनुष्य स्वयं है, इस तथ्य को पूरी तरह हृदयंगम रखा जाए। हर दिन कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति की समीक्षा और प्रगति की भावी योजना बनाने की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रखी जाए। आत्म परिष्कार की दिशा में यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। आज की अपेक्षा कल अपना व्यक्तित्व अधिक प्रखर और अधिक पवित्र बन सके, इसके लिए अदम्य उत्साह और प्रयास में कमी कदाचित भी नहीं आने दी जाए। मनुष्य शरीर को ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि उपहार और 84 लाख योनियों की लंबी श्रृंखला का अनुपम सौभाग्य माना जाए। समझा जाए कि इतना साधन संपन्न शरीर सृष्टि के अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला। इसमें ईश्वर का पक्षपात नहीं, वरन विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपकर प्रामाणिकता परखना ही एकमात्र कारण है। यह धरोहर ईश्वर के इस विश्व उद्यान को अधिक सुविकसित, सुसंस्कृत बनाने में हाथ बटाने के लिए मिली है। इस अमानत को लोभ, मोह और वासना, तृष्णा की संकीर्ण स्वार्थपरता में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, वरन अपने को अधिकाधिक पवित्र बनाते हुए पूर्णता के स्तर तक पहुंचाने में, लोक मंगल के लिए बढ़े चढ़े अनुदान देने में जीवन की सार्थकता माननी चाहिए। जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियां। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 3. धार्मिकता, कर्तव्य निष्ठा। मानवीय गरिमा को उच्च स्तरीय धर्म कर्तव्यों से पूरी तरह जकड़ा माना जाए। नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने को कठोर अनुशासन में बांधकर रखा जाए। उच्छृंखलता, उद्दंडता, अनैतिकता अपनाने की पशु प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष आत्म पतन माना जाए और पिछले दिनों ऐसा कुछ बन पड़ा हो तो उस पर पश्चाताप किया जाए। अनैतिक आचरणों से व्यक्ति विशेष को ही नहीं, समूचे समाज को क्षति पहुंचती है। इसलिए जो अपने से हो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का साहस जुटाया जाए। पापों के रूप में पतन की दिशा में जो बन पड़ा है उसी के समतुल्य सत् प्रवृत्तियां बढ़ाने वाला पूर्ण परमार्थ करके ही पिछले पापों का प्रायश्चित
हो सकता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह। अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्य पालन में तत्परता बरती जाए और जो व्यवधान इस मार्ग में आड़े आते हों उन्हें हटाया जाए। शरीर को स्वस्थ रखने का कर्तव्य पालन करने के लिए आहार विहार का संयम बरता जाए। आलस्य प्रमाद को शत्रु माना जाए और उन कुकर्मों से स्वयं को रोका जाए। मन को स्वस्थ रखने के लिए अचिंत्य चिंतन एवं मनोविकार से बचा जाए। धनोपार्जन में नीति न्याय और औचित्य का ध्यान रखा जाए। परिवार को सुगठित सुविकसित सुसंस्कृत सहचरी संगठन के रूप में विकसित करने के लिए अपनी ओर से भरपूर प्रयत्न किया जाए। बड़ों को आदर और छोटों को स्नेह देने में कृपणता न की जाए। उनकी आर्थिक सुविधाओं का ही नहीं सद्गुणों की संपदा विकसित करने एवं सुसंस्कारी बनाने के लिए भी पूरी तरह सचेष्ट रहा जाए। स्मरण रखा जाए कि शरीर यात्रा परिवार निर्वाह एवं अर्थ उपार्जन तक की छोटी परिधि तक सीमित रहने के लिए ही मनुष्य जीवन नहीं है, उसकी सफलता और गरिमा व्यापक बनने में है। देश धर्म समाज संस्कृति और विश्व मानवता के लिए भी उसके कर्तव्यों की परिधि तथा तौल उतनी ही बढ़ती जाती है जितना कि उसका आत्म विकास होता है। अपने समय की व्यापक समस्याओं का समापन करने के लिए अवांछनीयताओं को निरस्त करने एवं उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए भी योगदान दिया जाए। शरीर और परिवार के उत्तरदायित्व निभाने से कम सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्यों को न माना जाए। धर्म को प्रथा परंपराओं के बंधन में न बांधा जाए, उसे मानवीय कर्तव्य पालन के रूप में देखा समझा जाए और सच्चे अर्थों में धार्मिक बना जाए। 4. प्रगतिशीलता आत्मोत्कर्ष। अपने ज्ञान अनुभव एवं दृष्टिकोण का विकास परिष्कार उतना ही आवश्यक है जितना आरोग्य संरक्षण और अर्थोपार्जन। मनुष्य की वास्तविक पूंजी उसकी आत्मिक प्रखरता ही कही जा सकती है। अस्तु इस दिशा में अपने प्रयत्न अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। हमें विचारशील दूरदर्शी होना चाहिए और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हर बात की यथार्थता समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण रखने से भ्रमपूर्ण स्थिति मस्तिष्क पर छा जाती है और उसके प्रभाव से अनुचित निर्णय हो जाते हैं जिनका परिणाम पीछे पश्चाताप करने जैसा ही सामने आता है। हमें सर्वत्र सत्य की खोज करनी चाहिए और उचित निर्णय लेने चाहिए। ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से हर दिन ऐसा साहित्य पढ़ने का नियम बनाना चाहिए जो अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाने में तथा सामाजिक समस्याओं के हल करने में उपयुक्त मार्गदर्शन कर सके। ऐसा स्वाध्याय मानसिक भूख बुझाने के लिए दैनिक आहार की तरह ही आवश्यक समझा जाए। उसके लिए नित्य कुछ समय निर्धारित रखा जाए। आत्म समीक्षा के लिए मनन और आत्मनिर्माण के लिए चिंतन अनिवार्य नित्य कर्म माना जाए। स्वाध्याय की तरह उसके लिए कोई समय प्रातः आंख खुलते ही और रात्रि को सोने का समय सुनिश्चित रखा जाए। यह दोनों संध्या काल माने जाए और उन्हें ब्रह्म विद्या के आत्मनिर्माण के पुनीत कार्य में ही लगाया जाए। दोनों समय 15-15 मिनट तो इस कार्य में लगाने ही चाहिए। उठते ही जीवन के महत्व एवं उद्देश्य का भावना पूर्वक स्मरण किया जाए और आज के दिन को नया जन्म मानकर उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की योजना बनाई जाए। एक ही दिन जीने को मिलता तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता, इस मान्यता के आधार पर हर दिन की श्रेष्ठतम दिनचर्या और कार्य पद्धति निर्धारित की जाए। यह चिंतन हुआ। रात्रि को सोते समय दिन भर के कार्यों की समीक्षा की जाए। जो सही हुआ हो उस पर संतोष माना जाए और जो भूलें रही हों उन्हें आगे न करने के लिए पूरा ध्यान रखने की बात सोची जाए। सोते समय मृत्यु की गोद में विश्राम पाने की वैराग्य की भावना लेकर सोया जाए। शरीर और आत्मा की मित्रता एवं उपलब्ध वस्तुओं को ईश्वर की अमानत भर समझने की मान्यता कल्पना में अति स्पष्टता पूर्वक उतारी जाए। अपने को माली चौकीदार ट्रस्टी
खजांची भर मानने की बुद्धि रखकर ही कर्तव्य निष्ठ जीवन जिया जा सकता है। अस्तु रात्रि के समय इसी प्रकार के कल्पना चित्र संजोते हुए सोया जाए, यह मनन अपना नित्य कर्म होना चाहिए। 5 संयमशीलता इंद्रिय निग्रह। शरीर में जुड़ी ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां ज्ञान वृद्धि औचित्य का निर्णय उत्साह प्रयत्न निर्वाह के उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता देने के लिए है। उनका सही कार्य में सही उपयोग करके ही उस लाभ से लाभान्वित हुआ जा सकता है जिसके लिए परमेश्वर ने इन्हें प्रदान किया है। इंद्रिय शक्ति के दुरुपयोग से असंयम से केवल हानि ही हानि है। जीभ को मिर्च मसाले और पकवान मिष्ठानों का आदि बनाकर असंयम अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ पेट में भर देता है, फलतः अपच उत्पन्न होता है और तरह तरह के रोग खड़े होते हैं। तामसिक और राजसिक आहार में धन समय और स्वास्थ्य की बर्बादी अत्यंत स्पष्ट है। जैसा अन्न वैसा मन की उक्ति सर्वविदित है। आहार की सात्विकता का प्रभाव साधक की मनोभूमि पर सीधा पड़ता है। जीभ का चटोरापन रोके बिना इन हानियों से नहीं बचा जा सकता। समझदारी इसमें है कि कड़ी भूख लगने पर सात्विक और सुपाच्य आहार ही उचित मात्रा में ग्रहण किया जाए। ब्रह्मचर्य का अधिकाधिक पालन किया जाए। ओजस का कामुकता के क्षणिक मनोरंजन में अपव्यय करना बहुत महंगा सौदा समझा जाए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य पालन की उपयोगिता स्वीकार की जाए और आचरण में लाया जाए। मानसिक व्यभिचार शारीरिक बर्बादी से भी बुरा है। चिंतन की उत्कृष्टता इसी में है कि कामुकता की विकृति को मनह क्षेत्र से जितना हटाया जा सकता हो उतना हटाया जाए। पति पत्नी एक दूसरे को सहोदर भाई या घनिष्ठ मित्र जीवन साथी की तरह माने, परस्पर कामोत्तेजक दृष्टि से न देखा जाए। एकांत समय भी उपयोगी विषयों की चर्चा में लगाया जाए। सौंदर्य को पवित्र दृष्टि से देखा जाए। पुरुषों का दृष्टिकोण नारी के प्रति बहन बेटी मानकर ही तथा नारी पुरुष को भाई पुत्र या पिता की दृष्टि से देखें। बालकपन किशोरावस्था प्रौढ़ता वृद्धावस्था में अपने अपने स्तर के सौंदर्य उभरते हैं, उन्हें प्रकृति परिवर्तनों की तरह देखना और प्रसन्न होना पर्याप्त है। युवकों अथवा युवतियों के सौंदर्य का कामुक उपयोग की दृष्टि से अश्लील चिंतन करना, अपनी दृष्टि को अपवित्र करना, मस्तिष्क में अवांछनीय विक्षोभ उत्पन्न करना तथा सामाजिक मर्यादाओं को अस्त व्यस्त करना ही है। इस दिशा में भड़काने वाले साहित्य चित्र व्यक्ति आदि को हानिकारक कुसंग समझा जाना चाहिए और उनसे बचा जाना चाहिए। इंद्रियों में स्वाद और कामुकता की विकृतियां ही प्रधान हैं। अन्य ज्ञानेंद्रियों के उपद्रव तो थोड़े से ही होते हैं और वे सहज सुधारे जा सकते हैं। 6 समस्वरता मानसिक संतुलन। मस्तिष्कीय समस्वरता को हर स्थिति में अक्षुण रखा जाए। प्रिय और अप्रिय परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं। उनमें उद्विग्न हो उठने से मानसिक तंत्र गड़बड़ा जाता है और उत्तेजित स्थिति में ऐसे निर्णय एवं काम करता रहता है जिनसे स्वनिर्मित विपत्ति के संकट घूमने लगते हैं। सफलताओं पर कई व्यक्ति हर्षोन्मत्त हो उठते हैं, अहंकारी बनते और दुस्साहस करने पर उतारू होते हैं। उद्धत प्रदर्शन करने एवं शेखी खोरी पर उतारू भी ऐसे ही लोग होते हैं, फलतः वे ठोकर खाते और यश गंवाते हैं। सफलताओं को ईश्वरीय अनुग्रह एवं साथियों का सहयोग समझा जाए। आत्मविश्वास तो बढ़े पर नम्रता एवं गंभीरता हर हालत में बनी रहे। विपत्तियों एवं सफलताओं में भी दुख शोक चिंता निराशा उद्विग्नता का अनुभव न्यूनतम भी होने दिया जाए। इच्छा विरुद्ध स्थितियां व्यवहार देखते ही कई व्यक्ति आवेशग्रस्त हो जाते हैं, क्रोध करते या सिर धुनते हैं, निराश हो बैठते हैं। इस मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्ति यह नहीं सोच पाता कि प्रस्तुत विपत्ति का सामना करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, फलतः विपत्ति और भी अधिक बढ़ती जाती है।
असंतुलित लोगों को दूसरों की उपेक्षा, अवज्ञा एवं खीज ही हाथ लगती है। ऐसी दशा में वे और भी अधिक दयनीय स्थिति में फंसते चले जाते हैं। आवेश और अवसर की दोनों ही मनः स्थितियां अर्धविक्षिप्त स्थिति उत्पन्न करती हैं। इस स्वनिर्मित विपत्ति से बचने के लिए हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक संतुलन की भी रक्षा करनी चाहिए। मानसिक संतुलन का चिन्ह है प्रसन्नता व्यक्त करने वाली मुखाकृति और रचनात्मक चिंतन करने वाला दूरदर्शी स्वभाव। जो उपलब्ध है उस पर संतोष एवं आनंद अनुभव किया जाए। अधिक प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्नरत रहा जाए, पर यह सब खिलाड़ी की मनः स्थिति रख कर ही होना चाहिए। समस्याओं को सुलझाने का क्या उपाय हो सकता है, इसका बुद्धिमत्तापूर्ण रचनात्मक चिंतन शांत चित्त से हो सके ऐसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए। छिद्रान्वेषण, तोड़फोड़, आवेश, उद्वेग अपनी प्रकृति के अंग नहीं होने चाहिए। साथियों के सद्गुण ढूंढे जाएं और उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाए। जो दोष हो उनकी कटु भर्त्सना करने के स्थान पर हानि बताई जाए। छुटकारे का रचनात्मक उपाय सुझाया जाए। किसी को मूर्ख, अयोग्य, अभागा आदि कहकर उसका उत्साह गिराया ना जाए, वरन रचनात्मक पुरुषार्थ के लिए प्रोत्साहन देते रहने और हर किसी को उज्जवल भविष्य की आशा दिलाने की ही अपनी नीति होनी चाहिए। यों खतरों और कठिनाइयों से अवगत कराना भी उचित है, पर वह संतुलित रीति से होना चाहिए। 7. पारिवारिकता, आत्मविस्तार की प्रक्रिया। व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार है। परिवार वह खदान है जिसके सही होने पर उसमें से नर रत्न निकल सकते हैं और देश को हर दृष्टि से गौरवान्वित कर सकते हैं। समाज का विशाल कलेवर परिवार की छोटी छोटी इकाइयों का समूह ही है। कड़ियों के मजबूत होने से जंजीर मजबूत होती है। अस्तु हमें परिवारों का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिसमें जन्मा, पला और बढ़ा व्यक्ति हर दृष्टि से सुयोग्य, सुविकसित बन सके। परिवार एक छोटा समाज एवं छोटा राष्ट्र है। उसकी सुव्यवस्था एवं शालीनता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बड़े रूप में समूचे राष्ट्र की। इस छोटी सी प्रयोगशाला में व्यायामशाला एवं पाठशाला में उसके प्रत्येक सदस्य को वैयक्तिक कर्तव्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने, निभाने की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके ऐसा ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए। यह प्रवृत्ति विकसित होते होते विश्व नागरिकता एवं मानव परिवार का सृजन करेगी। हमें अपने परिवार में सुव्यवस्था रखने में पूरी पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए और उस प्रयोजन के लिए स्वयं समय देना चाहिए। हर व्यक्ति और हर वस्तु स्वच्छ रहे, प्रत्येक सामान यथास्थान साफ सुथरा और कायदे तरीके से सुसज्जित रखा होना चाहिए। रसोई घर, शौचालय, स्नान घर, नाली जैसे स्थानों की सफाई का सदा ध्यान रहे। टूट फूट सुधारने, मरम्मत करने एवं रंगाई पुताई सुसज्जा की कला घर के सब वयस्कों को आनी चाहिए। दिनचर्या बनाकर घर के सब काम निपटाए जाएं, कोई सदस्य बेकार न रहे और किसी पर श्रम का अनावश्यक दबाव न पड़े। श्रमशीलता, मितव्ययता, सहकारिता, शिष्टता एवं उदार आत्मीयता की सत प्रवृत्तियां सीखने और बढ़ाने का अवसर घर के हर सदस्य को मिले। बड़ों को समुचित आदर और छोटों को भरपूर स्नेह दुलार मिलना चाहिए। उत्तराधिकार में प्रचुर संपदा छोड़ने की बात किसी को भी नहीं सोचनी चाहिए। सद्गुणी और स्वावलंबी बना देना ही अभिभावकों का कर्तव्य है। परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व समझे जाएं, किंतु उनके प्रति मोहग्रस्त न हुआ जाए। परिवार में जितने सदस्य हैं उन्हीं के विकास की बात सोची जाए, नई संतानें न बढ़ाई जाएं। ध्यान रखा जाए वर्तमान परिस्थितियों में संतान की सीमा बढ़ाना अबुद्धिमत्तापूर्ण है। इससे अपने आप को, जननी बच्चों को और समूचे राष्ट्र को भारी विपत्ति में फंसना पड़ता है।
जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियां, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 8 सामाजिकता नागरिकता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के सहयोग से ही व्यक्तियों को सुखी समुन्नत बनने का अवसर मिलता है। एकाकी उन्नति कितनी ही क्यों ना कर ली जाए, विकृत परिस्थितियों में घिरे समाज में रहकर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता। जबकि समुन्नत समाज के हर सदस्य को अनायास ही सुख शांति का लाभ मिलता रहता है। हमें अपने को समाज रूपी घड़ी का एक पुर्जा भर मानना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गतिविधियां ऐसी रखें जिसमें घड़ी की गतिशीलता ठीक बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस दृष्टि से हमें सामाजिक मर्यादाओं और नागरिक कर्तव्यों का सतर्कता पूर्वक पालन करना चाहिए। साथ ही अपने प्रभाव क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे दूसरों की समाज निष्ठा भी अक्षुण बनी रहे। दूसरों के साथ वही व्यवहार किया जाए जो हम दूसरों से अपने प्रति किए जाने की अपेक्षा करते हैं। इस कसौटी पर जो भी कार्य खरे उतरे उन्हें नैतिक एवं सामाजिक कहा जा सकता है। हमें किसी के नागरिक अधिकारों का हरण नहीं करना चाहिए। शोषण, दबाव, छल की नीति किसी के प्रति भी न अपनाई जानी चाहिए। हर किसी को सम्मान दिया जाए और सद्व्यवहार किया जाए। अपनी शालीनता की रक्षा इसी में होती है। अपराधी आचरण न तो स्वयं किया जाए और न दूसरों को करने दिया जाए। जहां अनीति बढ़ती जा रही हो वहां असहयोग और विरोध तो किया ही जाए, आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करने और सरकारी सहायता से उसे रोकने में भी शिथिलता न की जाए। अनैतिक और असामाजिक कार्यों के विरोध में संगठित चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। प्रचलित अनैतिकताओं, कुरीतियों एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने के लिए आंदोलन करते रहा जाए। ऐसे कार्यों में अपना समर्थन सहयोग तो कदापि नहीं होना चाहिए। सत प्रवृत्तियां बढ़ाने वाले कार्यों को संभावित रूप से करने के लिए हर क्षेत्र में सहकारिता की प्रवृत्ति विकसित की जाए। मताधिकार का उपयोग बहुत सोच समझकर मात्र उपयुक्त व्यक्तियों के पक्ष में ही किया जाए। यह चेतना लोकतंत्र के हर मतदाता में पैदा की जानी चाहिए। शिष्टाचार, सद्व्यवहार, मनुजता, सामूहिकता और नागरिकता की प्रवृत्तियां सभ्य समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनानी पड़ती हैं। उसे अपना चिंतन उदार और कर्तृत्व आदर्श रखना पड़ता है। हमारा स्वभाव समाज निष्ठ होना चाहिए। व्यक्तिवाद के प्रति उपेक्षा और समूहवाद के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का समाज ही समुन्नत होता है और उसके सदस्य सुखी रह सकते हैं। यह तथ्य हर किसी को हृदयंगम करना और कराना चाहिए। 9 शालीनता, स्वच्छता एवं सादगी। स्वच्छता मनुष्य की जागरूकता, सुरुचि एवं कलात्मक दृष्टिकोण की परिचायक है। उससे मनुष्य की सौंदर्य प्रियता व सतर्कता का प्रमाण मिलता है। पशुता के साथ गंदगी जुड़ी हुई है। यों तो कुत्ते भी पूंछ हिलाकर अर्थात झाड़ू लगाकर बैठते हैं ऐसा कहा जाता है, पर आमतौर से पशुओं को स्वच्छता और गंदगी का अंतर मालूम नहीं होता है। मनुष्य की सुरुचि का उसके विकसित सभ्यता के स्तर का पता इस बात से लगता है कि उसका स्वभाव कितना स्वच्छता प्रिय है। शरीर के 9 बड़े छिद्र हैं, इनसे मैल निकलता रहता है। त्वचा के छेद भी पसीना बहाते रहते हैं। इन सभी मैलों को साफ करते न रहा जाए तो शरीर में दुर्गंध आने लगेगी और बीमारियों की जड़ जम जाएगी। शरीर की तरह ही पहनने और ओढ़ने के कपड़े भली प्रकार धोए सुखाए जाने चाहिए। घर कमरों को ठीक तरह बुहारा जाए और वस्तुओं को स्वच्छ बनाकर यथा स्थान सुसज्जित रूप से रखा जाए। गंदगी और अस्त व्यस्तता जहां भी उत्पन्न हो उसे तत्काल संभाला सुधारा जाए। स्वच्छता की स्थिति तभी रह सकती है जब गंदगी से निपटने के लिए हर समय कटिबद्ध रहा जाए। स्वच्छता से प्रेम हो
तो गंदगी साफ करने में अपना निज का उत्साह रहना चाहिए। जो गंदगी छूने से हटाने से हिचकते हैं वे स्वच्छता का मूल्य नहीं चुकाते और उससे वंचित बने रहते हैं। शरीर, वस्त्र, वस्तुएं, उपकरण, घर आदि को स्वच्छ सुव्यवस्थित देखकर यह पता चलता है कि आपने मानवीय सभ्यता के क्षेत्र में कितना प्रवेश पा लिया है। सौंदर्य प्रियता की एकमात्र परख स्वच्छता और सुव्यवस्था है। सौंदर्य क्षेत्र की एक उपहासास्पद विकृति है सज धज, ठाट बाट, फैशन, टीम टाम की कृत्रिमता। बचकाने व्यक्ति इसी बचकानेपन को अपनाते हैं और ओछेपन का परिचय देते हैं। इस प्रकार के आवरण सजाने में शालीनता को अपनी प्रत्यक्ष हेती अनुभव होगी। फैशन के नाम पर चित्र विचित्र पोशाकों के ढेर जमा करना पैसे का प्रत्यक्ष दुरुपयोग है। सज धज करके निकलने का अर्थ है दूसरों का ध्यान अपनी ओर बटाना, अपने ओछेपन का फूहड़ विज्ञापन करना। हमें ऐसे उद्धत प्रदर्शन से स्वयं बचना चाहिए और अपने परिवार एवं संपर्क के लोगों को उससे बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने पहनाव ओढ़ाव, परिधान, वेश विन्यास एवं उपकरणों में सादगी, सस्तेपन का समावेश होना चाहिए। अपव्यय और उद्धत प्रदर्शन से शालीनता का स्तर गिरता है, बढ़ता नहीं। यह तथ्य भली प्रकार ध्यान में रखा जाए। 10. नियमितता, समय और श्रम का संतुलन। समय ही जीवन की आवश्यक संपत्ति है। दुनिया के बाजार में से अभीष्ट वस्तुएं समय और श्रम का मूल्य देकर ही खरीदी जाती हैं। प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य माना जाए और समय का कोई भी अंश आलस्य प्रमाद में नष्ट न होने पाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। समय की बर्बादी अप्रत्यक्ष आत्महत्या है। धन के अपव्यय में भी असंख्य गुनी हानि समय के अपव्यय से होती है। खोया धन पाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय नहीं। धन की बर्बादी के लिए बजट बनाना और उसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार अथवा एक दिन पूर्व रात को सोते समय दिन भर की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ बना लेनी चाहिए। विश्राम जितना नितांत आवश्यक हो उतना ही लिया जाए। गप्पबाजी, आवारागर्दी और ठलुआगिरी के लिए कहीं कोई गुंजाइश न रखी जाए। खाली दिमाग शैतान की दुकान की उक्ति को अक्षरशः सत्य माना जाए और स्मरण रखा जाए कि बेकार समय में मात्र उपलब्धियों से ही वंचित नहीं रहा जाता, वरन उतने समय अवांछनीय विचारों से बरबस घिरा रहना पड़ता है। कार्यपरायण समय ही सार्थक है। जो जितने समय कार्यरत रहा उसकी वास्तविक जिंदगी उतनी ही आंकी जानी चाहिए। काम को बदलते रहने से मन की थकान दूर हो जाती है। बीच बीच में कुछ कुछ मिनट सुस्ता लेने भर से थकान दूर हो सकती है। अपने काम से दिलचस्पी हो और उसे उत्साह मनोयोग पूर्वक किया जा रहा हो तो काम खेल बन जाएगा और उससे न तो थकान आएगी और न ऊब। स्फूर्ति और मुस्तैदी से काम किया जाए तो काम जल्दी भी निपटता है और अच्छा भी होता है। घड़ी को सच्ची सहचरी बनाया जाए। अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनाई जाए जिससे सभी दैनिक उत्तरदायित्वों का समुचित समावेश हो। सफाई, भोजन, शयन, व्यायाम आदि की शरीर यात्रा, आजीविका उपार्जन, पारिवारिक सुव्यवस्था की तो दिनचर्या में प्रधानता रहे ही, पर सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भी कुछ समय उसमें सम्मिलित रहना चाहिए। निजी और पारिवारिक निर्वाह की तरह ही सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी नितांत आवश्यक है। सोकर उठने से लेकर रात्रि को सोते समय तक की पूरी दिनचर्या हर रोज निर्धारित कर ली जाए और शक्ति भर यह प्रयत्न किया जाए कि हर कार्य समय पर पूरा होता रहे। परिस्थिति बदल जाने पर आकस्मिक कारणों से तो हेरफेर हो सकता है, पर आलस्य प्रमादवश व्यतिरेक न होने दिया जाए। 11. प्रामाणिकता, ईमानदारी, जिम्मेदारी। धन संबंधी ईमानदारी और कर्तव्य संबंधी जिम्मेदारी का समन्वय किसी व्यक्ति को प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित बनाता है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता बढ़ाकर
तथा कठोर श्रम करके अधिक उपार्जन उत्पादन करना चाहिए, तभी राष्ट्रीय समृद्धि और व्यक्तिगत क्षमता का विकास होगा। किंतु जो पैसा कमाया जाए वह न्याय नीति युक्त एवं श्रम उपार्जित होना चाहिए। बेईमानी, मिलावट, रिश्वत, मुनाफाखोरी के उपार्जन को भी चोरी, लूट, ठगी, डकैती जैसे बड़े अपराधों की कोटि में ही गिनना चाहिए। श्रमिकों को पूरा श्रम करना चाहिए। व्यापारियों को उचित कीमत पर सही चीज बेचनी चाहिए और किसी को भी अनीति पूर्वक पैसा नहीं कमाना चाहिए। बजट बनाकर अपना खर्च उतना ही सीमित रखा जाए जिसमें ईमानदारी की सीमित कमाई से ही गुजारा हो सके। आमतौर से अपव्यय और संग्रह के लालची लोगों को ही बेईमान बनना पड़ता है। फिजूल खर्ची अपनाकर ऋणी बनने वाले लोग भी बेईमानी की हेय श्रेणी में ही गिने जाएंगे। अमीरों की नकल बनाने वाले गरीब लोग, बड़े आदमी बनने के लालची तथा फिजूल खर्ची से ग्रसित लोग ही सम्मान और विश्वास गंवाते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी सच्चा मित्र नहीं होता। आत्मधिक्कार, सार्वजनिक अविश्वास, लोक निंदा, राजदंड एवं ईश्वर का कोप जैसी हानियां इतनी बड़ी हैं जिनकी तुलना में बेईमानी से उपार्जित धन का लाभ घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है। ऐसा धन बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके पतन का कारण ही बनता है। अधिक उपार्जन के लिए अधिक श्रम किया जाए तो ठीक है, पर उसका न्यूनतम अत्यंत उचित आवश्यक अंश ही अपने लिए खर्च किया जाए। औसत भारतीय स्तर के अनुरूप ही अपने खर्च रखने में गौरव अनुभव किया जाए। उत्तराधिकारियों को सुसंस्कृत स्वावलंबी बनाना भर पर्याप्त माना जाए। उन्हें बैठे ठाले खाते रहने के लिए प्रचुर संपदा छोड़ जाने का लोभ मोह संतान का विनाश करने का साधन है। अधिक उपार्जन को लोक मंगल के कार्यों में लगा देने में ही उस कमाई की सार्थकता है। पूर्वजों के छोड़े हुए धन को भी भारतीय संस्कृति में अस्वीकार्य ठहराया गया है और उसे श्राद्ध रूप में लोकोपयोगी कार्यों के लिए दान कर देने का ही विधान है। हराम की कमाई जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोरी, बेईमानी अथवा उत्तराधिकार में मिली संपत्ति गर्हित मानी जाए। संग्रही अपव्ययी लोगों का तिरस्कार किया जाए, तभी अर्थ पवित्रता का, ईमानदारी का प्रचलन होगा और तभी धन उपार्जन का समुचित लाभ उठाया जा सकेगा। 12. विवेकशीलता, औचित्य की ही मान्यता। अपनी संस्कृति कभी बहुत ही उच्च कोटि की थी, उसकी श्रेष्ठ परंपराएं संसार भर में सम्मानित होती थी, पर पिछले अंधकार युग में विदेशी दासता के साथ साथ अनेकों विकृतियां घुस पड़ी हैं और उसमें कुरीतियों, अंधविश्वासों और गूढ़ मान्यताओं ने जड़ जमा ली है। शुद्ध रक्त यदि सड़ जाए तो वह विषैले मवाद का रूप धारण कर लेता है। विषाणुओं का उन्मूलन न किया जाए तो शरीर की रुग्णता बढ़ेगी और अकाल मृत्यु का संकट सामने आ खड़ा होगा। अपने समाज में फैली हुई अवांछनीय मान्यताओं को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उनके उन्मूलन का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन है, पर जाति पांति के नाम पर बढ़ती जाने वाली ऊंच नीच और छूत छात के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। मनुष्य मात्र एक है। गुण, कर्म, स्वभाव के कारण किसी को ऊंच नीच ठहराया जा सकता है, पर जन्म और वंश के कारण कोई न तो ऊंच बनता है और न नीच। नर और नारी के बीच बढ़ती जाने वाली असमानता भी इसी प्रकार अनुचित है। मनुष्य जाति के दोनों ही घटक समान नागरिक हैं। उनके बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाली प्रथाएं अमान्य ठहराई जानी चाहिए। पर्दा प्रथा जैसी प्रतिगामी रिवाजें इस युग में स्वीकार नहीं हो सकती। वंश और वेश के नाम पर किसी को भिक्षा व्यवसाय अपनाने नहीं दिया जाना चाहिए। अपंग असमर्थों को भिक्षा मिले, लोकोपयोगी सत्प्रवृत्ति बढ़ाने वाले कार्यों के लिए दान मिले, पर धर्मांडम्बरों की आड़ में निहित स्वार्थियों को धन बटोरने की मनमानी न करने दी जाए। मृतक भोज, देवताओं के नाम पर पशु बलि जैसी प्रथाओं का
कोई औचित्य नहीं। विवाह शादियों में होने वाले अपव्यय एवं दहेज जैसे ठहरावों से जितनी जल्दी पिंड छूटे उतना ही उत्तम है। बाल विवाहों और अनमेल विवाहों का प्रचलन बंद होना चाहिए। इन कुरीतियों में जो समय और धन की बर्बादी होती है उससे दरिद्रता और बेईमानी को प्रोत्साहन मिलता है। भूत पलीत, टोना टोटका, भाग्यवाद, फलित ज्योतिष, शकुन मुहूर्त, झाड़ फूंक जैसे अंधविश्वासों के फलस्वरूप आए दिन कितने ही अनर्थ होते रहते हैं और धूर्तों को उनकी आड़ में भ्रम फैलाने और पैसा बटोरने का अवसर मिलता है। हमें विवेकशील होना चाहिए और इन अवांछनीयताओं से अविलंब छुटकारा पाना चाहिए। जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियां। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 13 परमार्थ परायणता अंशदान। हर मनुष्य के पास एक समय, दो श्रम, तीन बुद्धि, चार धन, ये चार संपदाएं होती हैं। इनमें से समय और श्रम शक्ति युक्त जीवन तो विशुद्ध रूप से ईश्वर प्रदत्त है, बुद्धि भी उन्हीं की देन है। इसे विकसित करने में चिरकाल से असंख्य लोगों द्वारा संचित अनुभवों के संग्रह का ही योगदान रहता है। धन कमाना तो मनुष्य का पुरुषार्थ है, पर वह संभव तभी होता है जब दूसरे भी उस उत्पादन एवं विनिमय में सहयोग करें। इन चारों संपत्तियों को भगवान की एवं समाज की अमानत माना जाए और इनके द्वारा मात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध नहीं करते रहा जाए, वरन परमार्थ प्रियजनों के लिए भी अंशदान किया जाए। पीड़ा और पतन के निवारण में अपना अंशदान लगाना चाहिए। विपत्ति ग्रस्तों को अपने पैरों पर खड़े होने के साधन उत्पन्न करने में सहायता देनी चाहिए। सर्वथा अपंग तथा असमर्थ उम्र के व्यक्ति निर्वाह प्राप्त करते रहने के अधिकारी हैं। आकस्मिक विपत्तियों में फंस जाने वाले लोगों को भी सहायता दी जानी चाहिए। अधिक ध्यान अज्ञान निवारण और सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में किए गए सामूहिक प्रयत्नों पर दिया जाना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक कार्य के लिए सोचना, प्रोत्साहन देना, सहयोग करना आवश्यक है। उनके लिए समय दिया जाए और श्रम किया जाए। निजी आवश्यकताएं कम करने, संचय का लोभ छोड़ने और उदार मन रखने से हर स्थिति का व्यक्ति परमार्थ प्रयोजन के लिए कुछ ना कुछ योगदान कर सकने की स्थिति में रहता है। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक परिजन को ज्ञान घट में न्यूनतम 10 पैसे प्रतिदिन निकालने और 1 घंटा नित्य विचार क्रांति के लिए जनसंपर्क में लगाने का कर्तव्य नियत किया गया है। अब यह निर्धारण 50 पैसे या 1 रुपया तथा 2 घंटे के समयदान के रूप में है। इतना न्यूनतम अंशदान तो हर भावनाशील व्यक्ति को करना ही चाहिए। यह पैसा और समय मात्र जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करने के लिए उपयोगी साहित्य खरीदने और उसे पढ़ाने सुनाने में लगाया जाना चाहिए। झोला पुस्तकालय का कार्यक्रम अपनाकर यह दोनों कार्य एक साथ किए जाते रह सकते हैं। जो अधिक समय निकाल सकें उन्हें 20 घंटे अपने निजी कार्यों के लिए और 4 घंटे लोक हित के लिए लगाने चाहिए। महीने में 1 दिन की आमदनी दे सकना भी उन उदार आत्माओं के लिए कठिन न पड़ेगा जिनके मन में पीड़ा और पतन के निवारण करने की कसक है। 14 प्रखरता साहस एवं पराक्रम। सज्जनता, नम्रता, उदारता, सेवा आदि सद्गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रखरता के बिना यह विशेषताएं भी अपनी उपयोगिता खो बैठती हैं और लोग सज्जन को मूर्ख, दब्बू, चापलूस, साहसहीन, भोला एवं दयनीय समझने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता भी है कि डरपोक, कायर, संकोची, पुरुषार्थहीन व्यक्ति सज्जनता का आवरण ओढ़कर अपने को उदार या अध्यात्मवादी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। डरपोकपन को, साहसहीनता को दयालुता, क्षमाशीलता, संतोष वृत्ति की आड़ में छिपाना कितना उपहासास्पद होता है
और उस भ्रम में रहने वाला कितने घाटे में रहता है, यह सर्वविदित है। लोग उसे बेतरह ठगते और आए दिन सताते हैं। इस स्थिति को भलमन साहत का दंड, ईश्वर की उपेक्षा, धर्म की दुर्बलता आदि कहा जाता है, जबकि वस्तुतः वह प्रखरता की कमी के दुष्परिणाम होते हैं। हर व्यक्ति को निर्भीक और साहसी होना चाहिए। इसके लिए उद्दंडता की सीमा तक जाने की या आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनता के साथ निर्भीकता और साहसिकता जुड़ी रहे, तभी उसका कुछ मूल्य है। बिना कटुता उत्पन्न किए एवं बिना कष्ट के अपनी आदर्शवादिता को अक्षुण बनाए रखा जा सके तो इसे व्यवहार कुशलता माना जाएगा। सहयोग मात्र सत्प्रवृत्तियों का ही किया जाए, सज्जनता का ही समर्थन हो। अपने भले या भोले होने का लाभ अवांछनीय व्यक्तियों को अवांछनीय कर्मों के लिए न मिलने पाए, इसके लिए समुचित सतर्कता बरती जानी चाहिए। हर किसी को आत्मविश्वासी होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ और साहस पर भरोसा करना चाहिए। अपने बलबूते, अपने साधनों से, अपने संकल्प बल के सहारे अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दूसरों की सहायता को आधार मानकर योजनाएं बनाने वालों को प्रायः निराश होना पड़ता है। लोगों की सहायता मिलती तो है, पर वह सदा साहसी, पराक्रमी, पुरुषार्थी और निर्भीक व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रही है। ऐसे ही व्यक्तित्वों से लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें ही प्रामाणिक एवं सफलता पाने में समर्थ सोचते हैं। अस्तु, बिना मांगा सहयोग भी ऐसों को ही मिलता चला जाता है। लक्ष्य तक पहुंचने की दृढ़ता और हिम्मत अपने भीतर उगानी चाहिए। अपनी दुर्बलताओं को आत्मबल से समाप्त करना चाहिए। परामर्शदाताओं की बातों में जितना तथ्य एवं औचित्य हो केवल उतना ही मानना चाहिए। आदर्शों को पालन करने में एकाकी खड़े रह सकने की प्रखरता उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसे मनस्वी व्यक्ति ही सांसारिक एवं आत्मिक प्रयोजनों में सफल होते हैं। इस कटु सत्य को हृदयंगम करने में ही कल्याण है। वास्तव में कौन कितना सौभाग्यशाली है, इसके उत्तर में उसके वैभव, पद, प्रभाव आदि की नाप जोख की जाती है। सुविधा साधनों के सहारे इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि देखा यह जाना चाहिए कि गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र की दृष्टि से कौन किस स्तर पर रह रहा है। व्यक्तित्व की पवित्रता एवं प्रखरता के आधार पर बनने वाली प्रतिभा ही वह संपदा है जिसके सहारे उच्च स्तरीय प्रगति के पथ पर दूर तक जा पहुंचने का अवसर किसी को मिलता है। आंतरिक प्रफुल्लता, लोक श्रद्धा एवं दैवी अनुकंपा को सफल जीवन की महान उपलब्धियां माना गया है। इन्हें अर्जित करने में परिष्कृत व्यक्तित्व ही सफल होते हैं। इसके लिए उपर्युक्त 14 स्वर्णिम सूत्र, जो व्यक्तित्व को संवारने में काफी सहायक हैं, निरंतर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन सूत्रों को अपने जीवन में स्थान देते रहें। वैभव बटोरने में तो दुष्ट दुराचारी भी सफल हो जाते हैं, किंतु इस विष संचय से उन्हें भीतरी और बाहरी जलन भी झुलसाती उबालती रहती है। वास्तविक उपार्जन एक ही है, परिष्कृत व्यक्तित्व। इसे संपादित करने में जो जितना सफल रहा, समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म के सौभाग्य का लाभ उसी अनुपात से उठा लिया।